Triangle is equal to half of base into height. You know this formula? Raise your hand who know it. Yes, good. अप्लाई करो ये फॉर्मूला इसमें. एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज गिवन टू यू, इट इज 45 इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इज गिवन टू यू 15 इनटू हाइट. हाइट इज नॉट नोन टू अस. हाइट निकालो, क्या वो 6 आ रही है? यस, 6 सेंटीमीटर आ रही है. रेज योर हैंड. आपके पास था, कई बच्चों ने कर भी लिया होगा पहले से घर में. किन्होंने किए हैं घर में? थोड़े थोड़े क्वेश्चन ट्राई किए हैं. रेज योर हैंड. वेरी गुड, वेरी गुड. एसोसिएशन इज ट्रू. आपका 6 आंसर आ रहा है. हाइट इज कमिंग आउट टू बी 6 सेंटीमीटर जब इसको कैलकुलेट करोगे. ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है, ये 2 स्टेप्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि एसोसिएशन इज ट्रू. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में एसोसिएशन इज ट्रू. रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ट्रू. ओके, इज ऑल्सो ट्रू, यू नो इट, एंड बोथ आर रिलेटेड. इसलिए ऑप्शन विल बी ए. सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इफ वन ऑफ द इक्वल साइज इज 20 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, क्वेश्चन नंबर टू. हमारे पास ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल होता है? कैन यू टेल मी कौन सी 2 साइड्स इक्वल होंगी? बेस एंड हाइट. हाइट. ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता. दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, पता है सबको. मैम यस सर. यस, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड. ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा बेस और हाइट इसमें सेम है. दे आर सेइंग इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी 20 सेंटीमीटर होगी, ऑफ कोर्स. ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो सेम ही फॉर्मूला रहना है. दे आर सेइंग एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. लेट अस चेक कितना आ रहा है. हाफ ऑफ 20 इंटू 20. वेरी वेरी सिंपल. इज इट कमिंग आउट टू बी 200? इज इट कमिंग आउट टू बी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर? मैम यस सर. यस. ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो और ट्रू लिख लो. ठीक है, इसके यूनिट्स बेटा सेम होनी चाहिए. आपको पता है जो हमें डायमेंशंस दी होती हैं, उसी में ही सेम डायमेंशन में हमारा एरिया निकलता है. अगर सेंटीमीटर में गिवन है साइड्स, तो एरिया भी सेंटीमीटर में होगा. राइट डाउन असर्शन इज ट्रू. आप मॉड्यूल में इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को काट के, सॉरी मीटर स्क्वायर को काट के सेंटीमीटर स्क्वायर बना लो. करेक्शन करो इसको. मैम दिस डन. करेक्शन. ओके बेटा, दिस इज ट्रू. रीजन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. फॉल्स. फॉल्स. मैम क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस बेस इनटू इनटू हाइट. बेस हाइट. इनटू हाइट. यस, दिस इज फॉल्स. वेरी गुड, सबको पता है. यू आर ऑल सेट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर मैथ्स एग्जाम. दिस इज सी ऑप्शन. ट्रू है, फॉल्स है. आपको पता है ये हमारे पास सी ऑप्शन होती है. पैरेललोग्राम तो ट्राइंगल से बहुत बड़ा होता है, पता है ना? तो इसका एरिया जो है वो उसका डबल होता है, ट्राइंगल से डबल होता है. राइट, थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अभी अभी आपने बताया, एवरीबडी टोल्ड मी दिस इज ट्रू. राइट, थर्ड क्वेश्चन, असर्शन इज ट्रू, यू नो इट ऑलरेडी, फॉर्मूला है ये, आपने बता दिया. एंड रीजन इज एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. बाउंडेड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है. मान लो हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, उनका सेंटर अगर सेम है, वो यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे वाले सर्कल्स. कंपास से आपने एक सर्कल बनाया, फिर सेम ही सेंटर को लेके एक और सर्कल बना लिया, कर सकते हो ऐसे? हो सकता है ना, कंपास को जितना खोलते जाओगे उतना बड़ा आपके पास सर्कल बनता जाएगा. सेंटर को उधर ही फिक्स रखो. तो ऐसे सर्कल में एरिया बाउंडेड, बाउंडेड मतलब किसके बीच में आता है वो? बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इसका मतलब ये वाला एरिया दे आर टॉकिंग अबाउट. ड्रॉ करो इसको अपनी नॉलेज के लिए, चाहे मॉड्यूल में करो चाहे नोटबुक में करो, जहां आप लिख रहे हो.
वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया नाउ. बाहर वाला जो एरिया है, रेडियस है, उसका कैपिटल आर है, इसको लिखो कैपिटल आर. और जो छोटे वाला है सर्कल, अंदर वाला सर्कल है, उसका है स्मॉल आर. ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. इज इट ट्रू? ओके, पहले तो आउटर सर्कल का एरिया देखो. आउटर एरिया, आउटर एरिया क्या होगा हमारे पास? तो पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला किया हुआ है आपने पाई आर स्क्वायर? यस यस. अगर हम बाहर वाला सर्कल देखें तो उसका एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर. अंदर वाला देखेंगे इनर एरिया, देन इट विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, अब हमें निकालना है ये इन बिटवीन वाला, ये सेंटर वाला जहां पे मैंने शेड किया है, तो वो क्या होगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. क्या ये इसके इक्वल नहीं है? आर दे इक्वल? एमईएस यस. आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, पाई आपके पास कॉमन है, उसको निकाल लिया, अंदर आपके पास आ गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. इनको रिवाइज करना एक बार, रीजन इज ऑल्सो ट्रू. ये छोटी छोटी जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, प्लीज इसको लिख लो, ये आपके फॉर्मूला फॉर्म में क्वेश्चंस में भी काम आएगी. मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है, बुक में तो ऑलरेडी आपने किया ही हुआ है इसको. ओके, सो इट विल बी बी ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन की आपकी ऑप्शन आ रही है बी. बोथ आर ट्रू, ठीक दैट्स वाई. ओके, केस स्टडी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं इसके सिर्फ आंसर बताऊंगी, रेस्ट यू विल डू एट होम. ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप बाद में पूछ सकती हो. केस स्टडी, प्लीज सी द क्वेश्चन बेटा. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी. आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम हियर. डिस्कस करेंगे पूरा यहाँ पे, फिर आप इसको घर पे ट्राई करना. ओके, जिसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं यू कैन राइट इट डाउन. और बच्चों ने तो आई नो सॉल्व भी कर लिया होगा ऑलरेडी, मॉड्यूल आपके पास था. सी, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज परपेंडिकुलर, यू नो ए बी सी डी. दिस इज ई विच इज परपेंडिकुलर. ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी एज शोन इन द फिगर. ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ए सी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है. डी ई आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन टू यू 4 सेंटीमीटर. ओके, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी गिवन टू यू. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ध्यान से देखो इसको. एरिया इज गिवन टू यू. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, जो जो गिवन है वो हमने लिख लिया यहाँ पे. अब हम नीचे वाले क्वेश्चंस देखेंगे, क्या क्या निकालना है इसमें. सी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए ई? कैसे फाइंड आउट करोगे? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए इज परपेंडिकुलर टू सी डी एज शोन इन द फिगर. ऑल्सो ए सी इज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर. डी ई इज 4 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इज गिवन टू यू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दे आर आस्किंग यू ए. क्या ए ई निकाल सकते हो आप फर्स्ट पार्ट में? ए ई हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हो? कैसे मैम यस बताओ? हाँ जी, बताओ बताओ. वेरी गुड. रॉन्ग होगा तो आई विल करेक्ट यू. हाँ जी बेटा, मैम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन AED एंड बेस इज ऑल्सो गिवन DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड वी कैन फाइंड इट्स हाइट. वेरी गुड, वी कैन फाइंड इट्स हाइट. वेरी गुड, चलो निकालते हैं इसको. दिस इज गिवन टू बी 6. एरिया आपको ये दिया हुआ है.
यू कैन राइट इट एज हाफ इंटू बेस इज गिवन टू यू 4 इंटू हाइट वी कैन फाइंड आउट. जल्दी से निकालो हाइट क्या है, जल्दी एवरीबडी. वेरी गुड. काफी बच्चों ने निकाली होगी. वेट, सबको करने दो बेटा, सबको करने दो. यस, छोटी सी कैलकुलेशन है. यस आई कैन सी मेनी हैंड्स नाउ. इज इट 3? यस यस, वेरी गुड. ए ई आपके पास आ रहा है 3 सेंटीमीटर. ठीक, तो हम यहाँ पे डायग्राम में भी लिख देते हैं क्योंकि हमें इसे यूज करना पड़ेगा. 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. हमें फिगर में एक और लाइन के बारे में पता चल गया. हाउ मच इज द डिस्टेंस ई सी? दे आर आस्किंग ई सी कितना है सेकेंड पार्ट में. ई सी सिर्फ मेथड बता दो, बाकी तो आप कर लोगे, मुझे पता है. यस, वेरी गुड. आई कैन सी हैंड्स इन सी सेक्शन. सी सेक्शन फर्स्ट गर्ल, वेरी गुड. मैम, वी कैन फाइंड इट बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, बताओ जरा क्या होना चाहिए. मैम, वी आर गिवन विद ए सी एंड वी आर गिवन विद ए ई. सो ए सी इज 5 सेंटीमीटर एंड डी यस यस, गुड गुड. सी इज 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव फाइंड आउट ए ई. सो ए ई इज 3 सेंटीमीटर. देन वी कैन इजिली फाइंड ई सी. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाई. इसी 4 सेंटीमीटर, इसका आंसर लिख लो. ए ऑप्शन, इट इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके यू विल फाइंड दैट ई सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. पाइथागोरस के थ्योरम के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं ऑलरेडी, आपको पता है कि हम कैसे स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं. ए ऑप्शन आ रही है इसकी बेटा. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं. अभी हमें पता चल चुके हैं, जो जो पता चल चुके हैं हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस और भी करने हैं आगे. ठीक है, पैरेललोग्राम इज अ बिग फिगर. पैरेललोग्राम के अंदर जो जो हमें पता चलता जा रहा है वी आर राइटिंग ओवर देयर सो दैट वी कैन यूज इट फर्दर. ठीक है, थर्ड पार्ट में दे आर आस्किंग अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सबको ये फॉर्मूला पता है, अभी अभी बताया आपने असर्शन रीजन में. इट इज बेस इंटू हाइट. इस क्वेश्चन में बेस भी आपको पता है और हाइट भी पता है. अब हम पूरे पैरेललोग्राम को देख रहे हैं. यू कैन सी हियर 4 + 4 हाँ इज द बेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड 3 इज द हाइट ऑफ दिस. तो आपका आंसर आएगा व्हाट इट विल बी. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या आएगा? 24 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. बराबर एरिया. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. दिस इज बी ऑप्शन बेटा, राइट इट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी? अब तो आपको पता है सब कुछ. नाउ यू कैन फाइंड वेरी इजीली, सब कुछ पता चल गया डायग्राम में आपको. अब ए डी भी आप निकाल लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये भी पता है आपको, ये भी पता है. राइट डाउन ए डी का आंसर लिखो, 5 सेंटीमीटर. यू कैन डू इट. किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी. फिगर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है अब तक. वी विल बी यूजिंग इट. ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है. पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाओगे, आपको 4 भी पता है, 3 भी पता है. पाइथागोरस प्रॉपर्टी से इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लो बेटा. इट इज 5 सेंटीमीटर. एंड वॉट इज द पैरीमीटर ऑफ एबीसीडी? वेरी वेरी सिंपल. वॉट इज पैरीमीटर, होता क्या है पैरीमीटर? यस, जशन शर्मा ए सेक्शन. नहीं ही इज देयर सम ऑफ ऑल साइड्स. यस, सबको पता है ये. तो इसका आंसर आपका आएगा 26. फिफ्थ पार्ट का आंसर आ रहा है 26 सेंटीमीटर. प्लीज रिमेंबर द यूनिट पेरीमीटर है, इसका मतलब टोटल लेंथ है आपके पास. लेंथ इज ऑलवेज इन सेंटीमीटर और मीटर. इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं आएगा. जब आप एरिया निकालते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर लिखते हो क्योंकि दो साइड्स को आप मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट सर्कल. पैरेललोग्राम के बारे में, ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ कर लिया आपने.
नाउ कम टू द सर्कल्स मॉड्यूल टू। इजी इजी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे ऑलरेडी, कुछ कुछ आपकी बुक से भी रिलेटेड है। ठीक है, यू विल बी डूइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस विद मी। बेटा जो जो आपने अभी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बारे में किया, सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू अबाउट सर्कल ऑल्सो। सर्कल में सेम फॉर्मूला यू यूज अबाउट पेरीमीटर, दैट इज द बाउंड्री। पेरीमीटर इज अ, यू नो इट, पेरीमीटर आपको लिखवाया गया था, इट इज अ बाउंड्री, बाउंड्री। और व्हाट शुड आई राइट, और क्या लिखवाया था मैंने बाउंड्री के साथ? एंड सरकमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज अ पेरीमीटर ना? ओके ठीक है, लिख दो सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब, सर्कमफ्रेंस इज लाइक पेरीमीटर ओनली, ये दोनों रिलेटेड है। पेरीमीटर हम वर्ड यूज करते हैं जब हम स्ट्रेट लाइन वाली फिगर्स करते हैं, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस हम वर्ड यूज करते हैं जब हम सर्कल की बात करते हैं। मीनिंग दोनों का सेम है, वहां पे भी हम बाउंड्री की बात करते थे, एक पॉइंट से शुरू करके पूरी बाउंड्री लेते थे। सेम ईयर सर्कल में भी हम एक पॉइंट से शुरू करके पूरी बाउंड्री जब कंप्लीट हो जाएगी, वी विल से इट इज सर्कमफ्रेंस। इसके लिए आपके कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? आपकी फेंसिंग होती है अराउंड द सर्कल, ठीक है, आपके और क्या होता है इसमें, पुटिंग लेस अराउंड द सर्कल, सर्कुलर कोई भी आपके पास टेबल क्लॉथ है या वट एवर, तो उसके सराउंडिंग, जब हम एज पे कोई काम करते हैं ना उसकी बाउंड्री पे, तो हम सर्कमफ्रेंस यूज करेंगे। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? यू हैव डन इट ऑलरेडी, जल्दी बता दो, टू पाई आर, ठीक है। पाई की वैल्यू आप यूज करते हो 22/7, मोस्टली 22/7 यूज करते हो। कभी कभी आपको क्वेश्चन में अगर दिया हो तो आप 3.14 यूज करोगे, नहीं तो 22/7 जनरली यूज करोगे, ओके। और मोस्टली आपके हर एक क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ पाई दी होगी, 7th क्लास में क्वेश्चंस के साथ साथ वैल्यू दी होती है, नहीं दी हो तो 22/7 इज अ फिक्स वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हो इसका, एरिया। एरिया, एरिया का क्या मतलब है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या है? बी सेक्शन, भवनप्रीत कौर, एरिया अगर लिखा हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि व्हाट इट टेल्स अस? जैसे मैंने आपको बताया था कि फेंसिंग अराउंड द बाउंड्री या फिर लेस अराउंड द बाउंड्री, एरिया के बारे में क्या समझ में आता है आपको? इन साइड वैल्यू। इनसाइड, इनसाइड एरिया, यू नो लाइक दिस, यस वेरी गुड। इट कुड बी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, प्लांटेशन करनी है, प्लांट्स लगाने हैं, और यू हैव टू पुट ग्रास इन सर्कुलर एरिया, ओके, और यू हैव टू डिग द एयर, डिग द अर्थ फ्रॉम एयर, डिग द अर्थ मतलब इसमें से मिट्टी खोदनी है आपको सर्कुलर एरिया में से, तो वो तब हम एरिया की बात करते हैं जब हम अंदर की बात कर रहे हैं। डू यू नो इट्स फॉर्मूला बेटा? बता यस, दो, पाई πr². आर स्क्वायर, ये पाई वर्ड बहुत ज्यादा आपका यूज होगा सर्कल के टाइप में, तो आप इसको बार बार यूज करोगे। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन, प्लीज रिमेम्बर, काफी बच्चे जब इसको एरिया लिखते हैं प्लीज राइट इट एज आर इंटू आर, दो बार आर आपका आएगा। काफी बच्चे मैंने देखा है जब वो आर की वैल्यू पुट करते हैं तो एक ही बार पुट करते हैं। आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर। जिन बच्चों को मुश्किल लगती है यू कैन राइट इट इट इन फॉर्मूला ओनली कि हमने आर को दो बार मल्टीप्लाई करना है। 2πr में एक ही बार आर आता है, इसमें हमारे पास दो बार आता है, बस ये ध्यान देना है आपने, ओके। चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील हैज अ रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ है हमें, लेट अस राइट इट, आर इज गिवन टू यू 28 सेंटीमीटर, वट एवर इज गिवन टू अस, हम जल्दी से लिख लेंगे इसको, आर इज गिवन टू अस, हाँ जी। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक, व्हील है, व्हील की बात हो रही है, व्हील तो राउंड राउंड घूमेगा ना, यू नो वन व्हील इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा,
फिर से एक सर्कल बनेगा, फिर से एक सर्कल बनेगा, ऐसे सर्कुलर वे में वो घूमता जाएगा, ठीक है? सो दे आर आस्किंग हाउ मेनी रेवोल्यूशन, मतलब कितने चक्कर लगाएगा टू ट्रेवल 704 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर कर लो, 704 सेंटीमीटर। तो आपको क्या दिया हुआ है, टू ट्रेवल 704 सेंटीमीटर, इतना उसने ट्रेवल करना, टोटल डिस्टेंस उसने 704 सेंटीमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है? या अगर ये सर्कल घूम रहे हैं तो पूरे का पूरा जो डिस्टेंस आएगा ना, सर्कल घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, तो उसने इतना डिस्टेंस जो है कवर करना है, कितना, 704 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करना है। ओके, तो अब आपको फिगर से ये पता चल रहा है कि हमारा जो एक सर्कल है यहां से यहां, जब एक चक्कर उसका कंप्लीट होगा तो वो क्या दिखाएगा हमें, व्हाट इज दैट, सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहला काम है हमारा कि सर्कमफ्रेंस उसका कितना है, तो जल्दी से निकालते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है? अभी बार बार वो स्टोरी को नहीं लिखना कि सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस, राइट डाउन, अभी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स हम व्हील की बात कर रहे हैं, यू राइट डाउन, फोकस ऑन द फॉर्मूला, फोकस ऑन द कैलकुलेशन, ठीक है बेटा? सर्कमफ्रेंस सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखो, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू आर, आर इज 28, बहुत सिंपल है ये, जल्दी से काट के इसका आंसर निकालो, आपकी कैलकुलेशन अभी फास्ट होनी चाहिए, 7th क्लास में हो। पुलकित 7B, जल्दी से मेरे को करके दिखाओ, नोबडी एल्स विल स्पीक, आई एम वेटिंग फॉर पुलकित्स आंसर, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। पुलकित इज देयर, आज यस उसको मत देखो, व्हाई आर यू सीइंग हिम, सारे अपना अपना काम छोड़ के उसको देख रहे हैं, ही इज ऑल्सो लाइक यू, लेट हिम डू कॉन्सेंट्रेशन से। हाँ जी बेटे बताओ कितना आ रहा है मैम 176 सेंटीमीटर, यूनिट भी साथ में बताओ, कोई भी वर्ड इसमें बिना यूनिट के नहीं होगा आपका इस क्वेश्चन में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा कैलकुलेशन आपकी, जब आप मेरे को ओरल बताओगे तब भी बिना यूनिट के नहीं बताओगे, चाहे वो एरिया चाहे सेंटीमीटर चाहे वो सर्कमफ्रेंस है एरिया है या फिर कोई लेंथ है। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि एक चक्कर लगाने में उसको 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसका कवर हो जाता है, राइट? तो आप बताओगे 1 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेक्स 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगता है, जब हम 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमारे पास एक चक्कर जो है उसका खत्म हो जाता है। अब हमने देखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, हमारी यूनिटरी मेथड लग रहा है इसमें, तो 1 में कितना होगा, 1/76, बार बार रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन नहीं लिखना, ठीक है, फोकस ऑन द कैलकुलेशन। नाउ वी हैव द टोटल डिस्टेंस, हमारे पास 704 सेंटीमीटर था, तो उसके लिए हमने निकालना है 1/176 इंटू 704, ठीक है? इसको कैलकुलेट करके आपके पास इसका ऑप्शंस दी हुई है, वेरी गुड, डू इट एवरीबडी, वेट वेट वेट, सबको करने दो बेटा, आई थिंक जो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ ही है ना, ए सेक्शन से आई कैन सी वन गर्ल्स हैंड पीछे से, वेरी गुड, हाँ जिसने कट स्लीव स्वेटर पहना हुआ है, यस आ जाओ बेटा, बाकी बच्चे करते रहो बेटा, आई वॉन्ट टू सी कि जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनका आंसर क्या आ रहा है, बाकी बच्चे करो, कॉपी डाउन नहीं करना, डू योर ओन कैलकुलेशन, वेरी गुड, फोर रेवोल्यूशंस। 4 रेवोल्यूशन आंसर आ रहे हैं, ठीक है? अब किस किस का आ गया है, प्लीज रेज योर हैंड, अब हाथ खड़ा करो, अब तो काफी बच्चों ने कर लिया होगा, वेरी गुड वेरी गुड,
दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स इट कम्स इन द एग्जाम, तो इसलिए प्लीज एक डायग्राम ड्रॉ कर लो ये वाला, स्टोरी समझने के लिए कि होता क्या है, क्या रेवोल्यूशन है और क्या डिस्टेंस है, वॉट एवर, किसकी बात हो रही है. ठीक है बेटा, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट आर दे आस्किंग. सेकंड क्वेश्चन, इज वेरी सिंपल, आई होप एवरीबडी हैज डन. बेटा दिस इज ए ऑप्शन, कर लिया सबने? यस सर. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर टू, रीड विद मी. द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 98 मीटर. फटाफट से इसको लिख लो पहले, जैसे ही आपको फर्स्ट सेंटेंस समझ आया है राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म. बहुत ज्यादा कोई लंबा सेंटेंस नहीं लिखना. यू आर कंसर्निंग विद आर डी एरिया सर्कमफ्रेंस लेंथ दिस दैट, बस बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने. डी इज गिवन टू यू 98 मीटर. इफ अ चाइल्ड वॉक्स एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर मिनट, वॉट इट टेल्स अस. चाइल्ड वॉक्स, इसका मतलब क्या है? 14 मीटर, ये आपने साइंस में भी किया होगा, पर मिनट, कि 1 मिनट में वो 14 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हर टू वॉक अराउंड द फील्ड वंस? राउंड द फील्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, राउंड द फील्ड, फोकस ऑन दिस. विच फॉर्मूला? राउंड द फील्ड सर्कमफेरेंस एरिया, ऑफ सर्कल. यस, इट टेलिंग अस सर्कमफ्रेंस. ठीक है, आपने समरी अपनी सामने लिख ली है, आपको पता चल चुका है क्या गिवन है और क्या निकालना है. वेरी गुड. ठीक है, तो हमने निकालना है इसका टाइम. एंड यू नो बेटा, सर्कमफ्रेंस जब भी हम निकालते हैं हमें आर की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस, इट इज इक्वल टू d/2. सबको पता है ये डायमीटर का हाफ होता है वो, इट इज इक्वल टू 98/2, राइट. इसको यूनिट भी लिखनी है साथ में, प्लीज रिमेम्बर दिस इज इन मीटर. ओके, आर आपके पास आ गया, उसके बाद क्या करोगे? सर्कमफ्रेंस निकालोगे इसका, राइट. 49 सेंटीमीटर. ओके, नाउ राइट डाउन सर्कमफ्रेंस. क्वेश्चन आपका बहुत नीटली होना चाहिए, कई बच्चों की राइटिंग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है लिखने में, तो एक एक लाइन छोड़ के लिखा करो, और कई बच्चों की बहुत छोटी होती है, प्लीज वो लाइन को कवर किया करो कम से कम, कि विजिबल हो आपकी राइटिंग. ओके, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करोगे. डोंट डू इट डायरेक्टली, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आपके क्वेश्चन होगा नहीं, तो बेटर है उसको सामने लिखो. ओके, 2 × 22/7 × 49, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जल्दी से कर लो. काफी टर्म्स आपस में कट रही हैं, है ना? आई विल कॉल 7C सेक्शन से. एंजेलिका, मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है. एंजेलिका कर लिया आपने सी सेक्शन, सिर्फ ये सर्कमफ्रेंस बताओ कितना आ रहा है बेटा. 380 300,8 वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. 308 मीटर, वी आर टॉकिंग अबाउट मीटर, सबके साथ यूनिट आएगी. वेरी गुड, सिट डाउन बेटा. सर्कमफ्रेंस हमारे पास आ चुका है, नाउ वी हैव टू अप्लाई यूनिटरी मेथड, बिकॉज दे वर सेइंग कि वो बच्चा जो है, चाइल्ड हु इज वॉकिंग, 1 मिनट में 14 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, राइट. अभी हमने इसके यूनिटरी मेथड में इसके स्टेटमेंट लिखनी है, राइट. राइट डाउन टाइम टेकन बाय चाइल्ड, टाइम टेकन बाय चाइल्ड
इसके लिए निकालना है आपने टाइम टेकन बाय चाइल्ड फॉर 14 मीटर इज इक्वल टू 1 मिनट. 14 मीटर चलने के लिए उसको 1 मिनट लगता है. दिस वॉज गिवन टू यू, है ना? यस ऑब्जर्वेटरी मेथड लगाओ. टाइम टेकन बाय चाइल्ड फॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय 14 मिनट्स. यू हैव टू फाइंड फॉर टाइम टेकन बाय चाइल्ड फॉर 308 मीटर. इतना पूरा सर्कल उसको घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो वी विल डू 1 बाय 14 इंटू 308. ओके, ये हमारा आंसर जो आएगा मिनट्स में आएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि उसको कितने मिनट लगेंगे. आपका आंसर में देख लो बेटे, आपके मिनट्स में भी आंसर है और आवर्स में भी है. चेक करो इसको, बी केयरफुल. और कई की बार दोनों ऑप्शंस भी हो सकती हैं, ये भी ध्यान देना. सबसे पहले मिनट्स में आंसर निकालो. जिनका आ रहा है क्या ये 22 मिनट्स आ रहा है? हाथ खड़े करो जिनका 22 मिनट्स आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी बेटा ऑप्शंस में आपको आवर्स भी दिया हुआ है, तो क्या आप मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? यू नो हाउ टू डू? यस सर, यस. क्या करोगे इसके लिए? 22/60 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं?60 यस, ठीक है, निकालो फिर इसका आंसर. इसको मिनट में आवर्स में कन्वर्ट करो. 22 बाय 60 आवर्स. चेक करो क्या वो 11 बाय 30 आ रहा है. यस टू से आपने काटा इसको, तो हमारी ऑप्शन आएगी डी, जिसमें ए और बी दोनों आंसर आ रहे हैं. मिनट्स में निकालोगे तो 22 मिनट्स आ रहा है, आवर्स में निकालोगे तो 11 बाय 30 आवर्स आ रहा है. ओके, इसको स्टार लगा लो. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, दिस इज यूनिक क्वेश्चन, क्योंकि आपकी दो ऑप्शंस मैच कर रही हैं इसके साथ. किसी को कोई डाउट है बेटा? हेलो हमारा पूरा क्वेश्चन मिनट्स में था, तो मिनट्स में तो हमने निकालना ही है उसको, डेफिनेटली निकालना है. उसके बाद हमें डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शंस में आवर्स भी दिए हुए, तो हमने आवर्स में भी कन्वर्ट कर लिया. एवरीबडी नोज 1 आवर है 60 मिनट्स, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 60 से, तो आपका आंसर आ गया 11 बाय 30. दैट्स व्हाई इट इज यूनिक, आपकी दो ऑप्शंस मैच कर रही हैं. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी बेटा? यस Yes, अभी समझ आ रहा है आपको? सारी अपनी फॉर्मूलाज लगाने हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करना. ओके, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फिगर गिवन बिलो. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा कि व्हाट आर दे आस्किंग, राइट? दिस इज अ सर्कल विच इज टचिंग इट्स ऑल द साइड्स. ध्यान से देखो इसको, सर्कल जो है वो स्क्वायर की सारी साइड्स को टच कर रहा है. ओके, तो ये जो स्क्वायर है, आपको लगता है कि ये जो पूरी साइड है स्क्वायर की, वो इससे मैच करती होगी? आपको लगता है कि इसके बराबर होगी? गेस करके देखो जरा, स्केल की जरूरत नहीं है इसमें, स्केल से नहीं मेजर करना. आप अपने आप अपनी इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस लगाओ. आपको लगता है कि इसकी जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी, जो मेरी लाइन ड्रॉ? यस यस. तो ये अगर मैं सर्कल के बारे में सोचूं, तो ये इसका डायामीटर है ना? और ये आपका क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर. इसको ड्रॉ करो फिगर को और इसको लिखो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर. आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है डायग्राम में कि साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो डायामीटर ऑफ सर्कल है. अब सर्कल का सेंटर कहीं भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है. अभी हमारा मतलब है कि उसका जो डायमीटर की जो लेंथ है वो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है. ठीक है बेटा, हमने निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अब शेडेड पोर्शन, अब आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, जो वहां पे ड्रॉ की है मैं यहाँ पे डॉटेड से ज्वाइन करती हूँ. ठीक है, तो ये एरिया आपको निकालना है.
शेडेड पोर्शन का। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी सी ऊपर आई है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंटर से पास कर रही है। जो आपकी मॉड्यूल में क्वेश्चन है उसमें दिख रहा है कि वो सेंटर से पास कर रही है, ये यस आपको दिख रहा होगा। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या चीज दिख रही है वो आपको? शेडेड पार्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। राइट इट डाउन सो दैट यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑल्सो। हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दिख रहा है आपको, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब हम इनकी डायमेंशन देखते हैं, आपको दिखा हुआ है फिगर में दिया हुआ है, दिस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका रेडियस क्या होगा? यस, 7 × 7। इसका रीजन लिख लो, साइड इज इक्वल टू 14, डायामीटर इज इक्वल टू 14। जिनको ओरली नहीं पता चल रहा, दे कैन राइट एवरीथिंग ओवर हियर सो दैट उनको पता चले कि 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस। आपको पता चलना चाहिए कि हमने क्यों ये सारा कुछ यूज किया है यहाँ पे। सिर्फ स्क्वायर के बारे में हमें दिया हुआ था और अभी हमने निकाल लिया सर्कल के बारे में। ओके, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, जब इसका आंसर निकालोगे इट इज कमिंग आउट टू बी बी ऑप्शन, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन छोड़ दो, यू कैन कैलकुलेट एट होम। किसी को डाउट है यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी बेटा। हाँ आपको ये चीज समझ आ गई कि कैसे हम स्क्वायर को सर्कल के साथ रिलेट कर रहे हैं? हाथ खड़ा करो जिनको समझ आ गई है। वेरी गुड वेरी गुड, ये फॉर्मूला पक्का लिखा करो बेटा साथ में ना, ये फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई इस स्टेप में, तो आपको फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाते हैं, हाफ मार्क आपको मिल जाते हैं। मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने डायग्राम ड्रॉ किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखी, आपने लिखा कि उसकी जो साइड है वो डायमीटर इक्वल है, फिर आपने फॉर्मूला लिखा, तो बहुत सारा काम आपने जो भी किया तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 150 मीटर। कोशिश करो हर एक क्वेश्चन में अपना डायग्राम बनाओ ताकि आपको पता चले हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं या फिर अंदर की बात कर रहे हैं। इन अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर 150 मीटर, अ पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब पॉन्ड अगर बनाना है तो पॉन्ड तो ऑफ कोर्स अंदर ही बनेगा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड एरिया। कि उसकी बाउंड्री पे पॉन्ड बन सकता है? बन सकता है उसकी बाउंड्री पे पॉन्ड? नो, उसके अंदर ही बनेगा ना। इन अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर 150 मीटर, राइट डाउन डी इज इक्वल टू 150 मीटर, पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद रेडियस इज इक्वल टू 20 मीटर। पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड 20 मीटर, रेडियस ऑफ पॉन्ड दिया हुआ है, डायमीटर किसका दिया हुआ है हमें? सर्कुलर गार्डन का। ठीक है, तो राइट डाउन रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 150/2। यहाँ पे हमारी दो चीजों की बात हो रही है, एक सर्कुलर गार्डन की बात हो रही है और दूसरा पॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो पॉन्ड बनेगा वो इसके बीच में बनेगा, दैट कुड बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉन्ड बन रहा है सर्कुलर गार्डन के बीच में, ये वाला, दिस इज अ पॉन्ड। ठीक है, और आपको इसमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ पॉन्ड, राइट डाउन। पहले 150/2 निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ले लो आप कैपिटल आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू, क्योंकि दो सर्कल की बात हो रही है तो हमें रेडियस अलग अलग करने पड़ेंगे, कैपिटल आर इज 75 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ पॉन्ड, इसको आप ले लो स्मॉल आर, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, दिस इज 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ द लैंड लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट बचा हुआ पार्ट, ये वाला गार्डन का जो बचा हुआ पार्ट है उसका आपने एरिया निकालना है। अभी हमें हमने किया था ये फॉर्मूला असर्शन रीजन में किया था। हाथ खड़े करो, किस किस को गेस हो गया कि यस क्या होने वाला है इसमें। यस असर्शन रीजन में अभी यूज किया था आपने, वेरी गुड वेरी गुड, हैंड्स डाउन, जल्दी से लिख लो एरिया ऑफ लेफ्ट आउट एरिया, लेफ्ट आउट पार्ट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैलकुलेटेड फर्स्ट वैल्यूज डालो इनकी, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ज्यादा है कैलकुलेशन। सेवेंटी फाइव का स्क्वायर करोगे, थोड़ी सी मैं हेल्प कर देती हूँ आपको ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। दिस इज 22/7, आर स्क्वायर आपके पास 75 स्क्वायर है, 75 स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये, है ना। कैलकुलेट करो इसको, इट इज कमिंग आउट टू बी 5625 इज इट, माइनस 20 का स्क्वायर आपके पास आएगा 400। आई एम डूइंग इट फॉर यू, ठीक है। इसको घर पे जब रिवाइज करोगे डू योर ओन कैलकुलेशन, अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको करना है ये, ठीक है। इसमें आपको पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, तो इट्स ओके, आप डेसिमल लगाओ या ये लगाओ आंसर तो सेम ही आएगा। कई बच्चों ने इसको ऐसे किया होगा, 3.14 से किया होगा, 3.14 इंटू, ठीक है, इसको 3.14 भी कर सकते हो, 22/7 भी कर सकते हो, जैसे मर्जी इसको निकाल सकते हो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है इसकी, 3.14 इंटू 5225, ठीक है बेटा। इसको जब कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ रहा है लेफ्ट आउट एरिया का, एरिया ऑफ द लैंड लेफ्ट आउट, थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। किसी ने किया ये कैलकुलेशन, हैव यू डन एट होम? इसका व्हेन यू विल कैलकुलेट बेटा, इसका आंसर आपके पास आएगा 16406.5 आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 16406.6 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपकी डी ऑप्शन इसमें आएगी, दिस इज मीटर स्क्वायर। जब आप कैलकुलेट करोगे, लिसन, जिन बच्चों ने नहीं किया, जब आप कैलकुलेट करोगे ये 16406.5 आएगा, तो इसको आप 16406 में लिख सकते हो, 0.5 और उससे जो ज्यादा नंबर होते हैं उनको हम टेक ओवर कर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, तो उसको हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो दिस विल बी डी ऑप्शन, मार्क कर लो इसको, दिस इज डी ऑप्शन। ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, यू कैन ट्राई एट होम ऑल्सो वंस। किसी ने किया हुआ था पहले से ही, हाथ खड़ा करो, एनी चाइल्ड? ओके, ये कैलकुलेशन ज्यादा देख के काफी बच्चों ने नहीं किया है ना, जिन्होंने किया है दे आर ऑल ब्रेव चिल्ड्रन। इसकी स्पेस छोड़ दो, 4-5 लाइंस छोड़ो इसको, एंड यू कैन डू एट होम, आराम से बैठ के पेशेंस से करना इसको, ठीक है बेटा। डी ऑप्शन इसकी आंसर आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी इसको छोड़ रहे हैं, 5 को सर्कल कर दो, अगर टाइम होगा तो मैं करवाऊंगी, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हो। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड विड्थ 15 सेंटीमीटर इज डी शेप्ड एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन आपने किए होंगे, अपनी बुक में भी किए होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर
फाइव यू कैन लीव राइट नाउ, अभी इसको छोड़ दो। अगर आपको बाकी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए तो टाइम होगा तो हम करेंगे, नहीं तो इट इज ओके, यू कैन लीव इट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, वायर की शेप दी हुई है, रेक्टेंगुलर शेप है, ओके, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 18 सेंटीमीटर एंड विड्थ दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर। इज रीशेप्ड, यू नो वायर को हम शेप बना सकते हैं कोई भी बेंड करके, पतली वायर हो तो इसको हमने डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर दिया, वो शेप आ गई हमारे पास सर्कल, इसको हमने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया, सेम को सेम वायर, कोई कटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं, जितनी वायर रेक्टेंगल बनाने में यूज हो रही थी सेम वायर हमारी सर्कल बनाने में यूज हुई है, तो आपने निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है आपको। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर सर्कल हेयर, क्या सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? यस थर्ड बेंच गर्ल इन द बी सेक्शन, यस आजो बेटा, मैम पेरीमीटर। हाँ पेरीमीटर दोनों का सेम है, इसका मतलब वी कैन से पेरीमीटर, वेरी गुड सिद्धांत बेटा, वी कैन से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में भी काफी है बेटा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दोनों की सिमिलैरिटी है, ठीक है, एक चीज के बारे में हमें पता है तो ऑफ कोर्स दूसरे तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, फॉर्मूला लगाओ, 2l + b इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr, दोनों का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब जिसके बारे में आपको पता है उसको लिख लो, l इज गिवन टू यू 18, ब्रेथ इज गिवन टू यू 15 इज इक्वल टू 2πr, अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम 2πr साथ साथ लगाते जाते हैं टिल द टाइम हमारा आर की वैल्यू नहीं आती, ठीक है, वी कैन कैंसिल टू फ्रॉम बोथ साइड्स, दिख रहा है आपको, ठीक है, कैलकुलेट करो यहां से, पाई की वैल्यू लगाओ 22/7 और रेडियस निकालो, वेरी गुड, अपनी कैलकुलेशन करो, बाद में चेक करना बोर्ड से वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, बहुत इजी नंबर्स हैं, आर की वैल्यू क्या आ रही है, टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर, यू कैन कैलकुलेट एट होम, इसको मैच करना, फिर डेसिमल में आंसर आएगा इसका, ओके 10.5 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बी ऑप्शन आ रही है बेटा, इसको मैच करना, यू कैन लीव टू लाइंस, प्लीज ट्राई एट होम। और किस किस का निकल गया है अभी तक, रेज योर हैंड, काफी बच्चों ने कर लिया होगा, यस, यू नो जब फ्रैक्शन में होता है उसको डिवाइड करके हम पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हमारी सारी पॉइंट में है तो पॉइंट तक जाना पड़ेगा हमें मैच करने के लिए। असर्शन रीजन बेटा, सारे फॉर्मूले आपने मेरे को सारे बताए हैं, तो अब आपका ये जल्दी से होने वाले हैं सरकम असर्शन रीजन, फर्स्ट असर्शन रीजन में फर्स्ट वन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर, रॉन्ग, आपने बताया मेरे को, दिस इज फॉल्स, रीजन, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर, यूज किया अभी आपने, दिस इज सी ऑप्शन, नो इट, आई नीड नॉट आस्क, आपने सारे फॉर्मूला यूज किए हैं अभी क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स इज 4:4.4:25, रेशियो ऑफ सर्कल्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट,
राइट डाउन रेशियो ऑफ एरियाज. रेशियो ऑफ एरियाज का क्या मतलब है? एरियाज का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:25. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एरियाज क्या होते हैं बेटा सर्कल के? क्या फॉर्मूला होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है ना. यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स की बात हो रही है, पाई आर वन स्क्वायर बाय पाई आर टू स्क्वायर. ये आपको दिया हुआ है 2:4:25. कैन यू राइट इट लाइक दिस? ये चीज गिवन है आपको. ओके तो आपने निकालना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. आपने निकालना है कि आर वन बाय आर टू क्या होगा. पाई पाई कैंसिल कर दो. यू कैन राइट इट एज आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4:25. 4:25 को यू कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर. लिख सकते हो इसको ऐसे? यस. सो आर वन बाय आर टू विल बी इक्वल टू 2/5, दैट इज 2:5. डू दीज ऑल स्टेप्स, लिखो इनको. ओके दिस इज 5. ये सारे स्टेप्स लिखो यहाँ पे. आपको पता चले कि 2 की रेशियो एरिया की रेशियो दी हुई थी, हमने अभी रेडियस की एरियो रेशियो निकाली है. ओके सो एस इज ट्रू. ओके रीजन इज एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर. रीजन इज ट्रू, सबको पता है. अभी अभी यूज किया आपने, ठीक है. तो आपकी ऑप्शन हो जाएगी यहाँ पे ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉन्स्टेंट एंड इज डिनोटेड बाय पाई. बेटा रेशियो का मतलब आपने घबराना नहीं ऐसे कि रेशियो के बारे में पूछ रहे हैं. रेशियो का मतलब है आपने अपॉन में लिख देना है कि ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है. पहले की पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर, वो आपको रेशियो बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर. सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर तो आप क्या लिखोगे? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर. अपॉन डायामीटर याद रखो कि जो चीज आपको पहले बताई गई है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में बताई गई है उसको नीचे लिखना है. सर्कमफ्रेंस बाय डायामीटर का पूछ रहे हैं वो. तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपके पास? 2 पाई आर फॉर्मूला लिख दो. और डायामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस. जो जो कॉमन चीजें हैं उनको काट सकते हो. 2 को कैंसिल कर दो, आर को कैंसिल कर दो. व्हाट इज लेफ्ट? ओनली पाई. तो क्या ये ट्रू है? Assertion is true. Yes. Yes. Assertion is true. Okay. Reason. Area of circle of diameter D is pi D square by 2. Let us solve it. Third question is for. इसको नोट कर लो बेटा, पाई लिख लो इसको. फिर मैं इसका आई एम गोइंग टू राइट ऑन अदर पेज, ठीक है. रीजन लिखो इसका. एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस डायमीटर आपको दिया हुआ है. कैन आई डू इट हेयर? जो बच्चे नोट कर रहे हैं दे कैन सी फ्रॉम हेयर. डायमीटर आपको बेटा दिया हुआ है डी. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल आपको सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है. तो क्या हम इसको पाई इंटू आर को लिख सकते हैं डी बाय टू? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं आर के बदले में? रेडियस यस जो होता है वो डायमीटर हाफ होता है. तो आप चेक करो क्या ये ठीक है, क्या वो ठीक बोल रहे हैं. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? कैलकुलेट करके देखो जरा, मैच करो. अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोलूं तो क्या आना चाहिए? डी स्क्वायर बाय 4 आना चाहिए ना. बट उन्होंने तो लिखा हुआ है डी स्क्वायर बाय 2, इसलिए ये फॉल्स है. रीजन इज फॉल्स. प्लीज इसको नोट कर लो. ये स्टेप ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि ये रीजन है ना. रीजन
So that's why it is false, and the statement is answer is C. Assertion और रीजन की एक्सप्लेनेशन लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटे आपका केस स्टडी है. मैं ओनली आंसर बताऊंगी, यू विल ट्राई एट होम. ओके, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, यू नो हाउ टू सॉल्व इट. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, आराम से जब घर पे करोगे यू कैन मैच द आंसर्स. एवरीबॉडी हैज नोटेड बेटा असर्शन और रीजन की एक्सप्लेनेशन. चलो अभी केस स्टडी के आंसर्स लिख लो, यू कैन ट्राई एट होम. काफी बच्चों ने कर भी लिए होंगे. केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1, आंसर है बी ऑप्शन, रुपीज 130900. सेकेंड पार्ट, हाउ मच एरिया इज कवर्ड, दैट इज ऑप्शन ए, इट इज 12474 मीटर स्क्वायर. आंसर्स नोट डाउन कर लो, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी लेटर. सी पार्ट, सी ऑप्शन है इसकी बेटा, 2376 मीटर. फोर्थ पार्ट इसकी डी ऑप्शन है, इट इज 44 मीटर. फिफ्थ पार्ट 9456 मीटर स्क्वायर, राइट, इसकी है सी ऑप्शन. ध्यान से आंसर नोट डाउन कर लो सो दैट जब आप घर पे करोगे यू कैन मैच इट. ओके, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़े नंबर्स की है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें. चलो इट इज डन बेटा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन लीव, छोड़ दो उसको. बाकी सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से करो, रिवाइज करो एंड डू वेल इन योर एग्जाम ऑल्सो. ओके बेटा, चलो ऑल द बेस्ट बेटे. थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम बेटा, स्क्रीन इज ऑन बेटा इफ यू वांट टू नोट डाउन द आंसर्स. ओके, कलर
मॉर्निंग. इज इट सो डार्क? यस वाई सो? वाई इट सो डार्क? वट इज देयर? कैन यू टेल मी? हमने लास्ट टाइम किया था. यस. सो नाउ You have to tell me which mirror is this by looking at the screen. ठीक है. So this is a screen that you can see here. It's a mirror XYZ. Three mirrors we have learnt. कौन कौन से? Concave, convex and plane. So I'm not telling you the name of this mirror. Now you have to tell me which mirror is this. Which mirror is this? The image is formed on the screen. Which mirror is this? Yes. कॉपी निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हमने तो कल उस टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था. जस्ट टेल मी विच मिरर इज दिस. कौन सा ये मिरर है जो ये वाला यहां पर जो बना रही है इमेज? ये जबकि शीशा नहीं, इट्स नॉट अ प्लेन मिरर, इट्स नॉट अ मिरर, इट्स अ जस्ट अ कार्डबोर्ड. यू कैन सी व्हाइट पेपर है. But we can see the image here. Why so? Which mirror is this? Yes, batao. 8th, 7th hai. Yes, beta. 7th hai. Bolo, beta. Sari bolo. This is ko aata. Speak out. Sab bol rahe, tab bhi awaaz nahi aa rahi. Meri akeli ki awaaz zyada aa rahi hai. Khana nahi khaya? ओके यू आर सेइंग कॉनकेव. चलो सेवंथ भी यू टेल, इट्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स? सेवंथ कॉनकेव. ओके सेवंथ सी, इट्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स? चलो ये तो सभी को आ गया, बहुत ही सही. दैट्स राइट, इट्स ए कॉनकेव मिरर. सो विच टाइप ऑफ इमेज इज दिस? इट इज रियल वर्चुअल? व्हाई इट इज रियल? क्यों है रियल? Why it is real? Can I touch this image? Yes. Can I touch this image? Yes or no? Yes. I can touch this image, and now you can see it is forming on my finger also. So it is like this, or is it erect or inverted? It is inverted or erect? Inverted. Yes. So concave. Write down, beta. चलो लिखो साथ में. अभी ये दिख रहा है ना, उसी के साथ में लिखो. Concave mirror. लिखो. Concave mirror. Concave mirror forms. Concave mirror forms real. देखो यहाँ पर. It forms real. Inverted. रियल इन्वर्टेड इमेज यू कैन सी हियर, है ना? इसको पार्ट से. यस, इज इट क्लियर ना? ओके. सो नाउ लेट्स चेंज द मिरर.
कैन यू सी द इमेज नाउ? वेट, आई थिंक फोकस इज, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा. नहीं Is not focused. Is it clear to you now? Or is it blurred? Blurred? No. Now it's clear. Yes. Yes. Now it's clear. It's pretty clear. Yes. Now it's clear. So now we are using different mirror. Now, same candle, same screen. Can you see the image here? No, nothing, है ना? ये देखो, I'm showing. It's not like this. So, let me move it towards you. Can you see the image now? Yes. Yes. Yes, you can see right now, है ना? You can see the image. So, how is it? It is real or virtual? Virtual. Why it's virtual? Why we call it virtual? Tell me. Because we cannot touch. Yes, I cannot touch. It is not forming on my finger if I am doing this, and it's not forming on my finger. Can you see? Yes. ये मेरी finger पे बनना start नहीं हुई. And here, on the back side also there is no image. कुछ भी नहीं बन रहा. So it's लिखो convex mirror, convex mirror, convex mirror forms, convex mirror forms virtual and अब ये image कैसी है? Is it inverted or erect? Erect. Yes. So convex mirror forms virtual and inverted image. वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज. अब मुझे एक और चीज बताओ, क्या ये इमेज का जो साइज है जो आपको इस शीशे में नजर आ रहा है, यू कैन सी इन दिस कॉन्वेक्स मिरर, इज इट सेम? द साइज ऑफ द कैंडल हेयर एंड हेयर, इज इट सेम? साइज इज सेम और डिफरेंट? डिफरेंट. लाइक इन विच टर्म, इज इट इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. सो इन कॉन्वेक्स मिरर साइज क्या हो गया? छोटा हो गया. तो लिखो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इन्वर्टेड वर्चुअल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड इमेज डिमिनिश्ड इमेज. सो इन ब्रैकेट मैंने लास्ट टाइम लिखाया था देव करके, याद करना है. DEV कैपिटल. डिमिनिश इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, आई होप इट इज प्रिटी क्लियर टू एवरी वन नाउ. ठीक है, यस, सबको क्लियर है? यस. अब एक और चीज, मैं अब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स को हटा रही हूँ बेटा, या रुको वेट, कॉन्वेक्स है यहाँ पर. कॉन्वेक्स को मैं चाहे आगे करूं या पीछे करूं, ठीक है, आगे करूं या पीछे करूं, साइज जो है ऑब्जेक्ट का इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली. ये देखो, आगे जाने पे भी यही साइज रहेगा, पीछे जाने पे भी यही साइज रहेगा. साइज डजंट इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट नहीं हो रहा. बट इन केस इफ दिस इज अ कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर ले लें और जो हमारे पास स्क्रीन थी, वापस उसी पे आ जाते हैं. लेट्स टेक दिस स्क्रीन एंड दिस इज कॉनकेव मिरर. अगेन यू कैन सी द इमेज हियर, है ना? यू कैन सी द इमेज अगेन, इट स्टार्टेड टू फॉर्म. नाउ ये जो है, ये जो कैंडल है, इफ आई ब्रिंग इट क्लोज टू द मिरर, यू कैन सी इट्स गेटिंग इंक्रीज. कैन यू सी द इमेज इज गेटिंग इंक्रीज? इट इज गेटिंग इंक्रीज इन साइज. यू कैन सी दैट इफ इट वी ब्रिंग दिस कैंडल क्लोज, और वी कैन से नाउ इट्स गोइंग फार. सो हाउ इट्स साइज इज गोइंग? इट इज डिक्रीजिंग. कैन यू सी? इट इज डिक्रीजिंग. नाउ इफ ब्रिंग इट क्लोज, it is increasing. Yes. So in concave we can say that if image is close to the concave mirror, image will be
मैग्नीफाइड, बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर ये दूर होगी तो वो नॉर्मल इक्वल साइज की होगी, और अगर और दूर होगी तो वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। सो बस सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही एक्सेप्शन है, नॉट इन कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में सेम ही रही, जो मैंने आपको शो भी किया। इवन इफ वी से इट्स अ प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर के सामने कैंडल ले आए, इफ वी ब्रिंग इट क्लोज टू द मिरर, ओके, सो यू कैन सी इट्स साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। यस, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ कैंडल, और वी कैन से ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट टू मिरर एंड इमेज टू द मिरर इज सेम, यस और नो? यस यस, सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। सो इन प्लेन मिरर ऑल्सो यू कैन सी इमेजेस इन्वर्टेड और अपराइट। यस, इमेज इज इन्वर्टेड और इरेक्ट। इरेक्ट यस सीधी है, उल्टी कैंडल तो हमें नहीं दिख रही ना। सो वी कैन से, लिखो इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर, और ये इमेज को भी वी कांट टच, इसको भी हम टच नहीं कर पा रहे। यू कैन सी इमेज इज नॉट फॉर्मिंग ऑन माई फिंगर हेयर, इट्स नॉट स्टार्टेड फॉर्मिंग ऑन माई फिंगर। सो हेयर यू कैन सी प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज। ओके, सो आई होप इट इज प्रिटी क्लियर टू एवरीवन नाउ। यस और नो? सो यू कैन इजिली नाउ टेल विच मिरर इज कॉनकेव कॉन्वेक्स बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इफ इमेज साइज इज नॉट चेंजिंग बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इट्स कॉन्वेक्स, ठीक है। इफ इमेज साइज इज चेंजिंग बाय चेंजिंग द साइज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, देन इट्स कॉनकेव, ठीक है। इट इज इजी टू डिस्टिंग्विश, यस और नो? यस, दैट्स राइट। सो यू हैव असाइनमेंट विद यू? मैम ओके, और बेटा लास्ट टाइम जो असाइनमेंट टेस्ट के लिए दी थी वो कर ली थी? कैसा यस रहा? कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस? नो, क्योंकि हमने सारा कर लिया था, वी हैव डन दिस। यस, तो आज वाली असाइनमेंट निकालो बेटा, ओपन आज वाली असाइनमेंट निकाल लो, टेक आउट योर असाइनमेंट एंड सिंपल क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। ओके, फटाफट बताओ, कॉनकेव मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर? कॉनकेव मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्ज मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्ज? अच्छा, मैं एट बी सॉरी सेवंथ ए, सेवंथ बी, सेवंथ सी को एक जगह इकट्ठा कर दूं और कहूं सिर्फ इतने से प्लेस के अंदर आपने रहना है, हिलना नहीं है, एकदम ऐसे टाइट एक के साथ एक ऐसे लग के खड़े हो जाओ, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया आपको मैंने, दैट इज कन्वर्जिंग। और अब मैंने कहा कि मेरे कॉल पे 1 2 3 पे आपने इधर उधर भाग जाना है, ठीक है, इधर उधर बस कहीं भी निकल लो, ठीक है। सो दैट इज डाइवर्जिंग, स्कैटर होना, बिखरना, दैट इज डाइवर्जिंग। एक बार कहते ना, मेरा मन डाइवर्ट हो गया, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। फर्स्ट बेंच में जैसे दो लड़के जो है आपस में कभी पेन शेयर कर रहे हैं, कभी जो है कोई पेजेस शेयर कर रहे हैं, ओके, सेवंथ ए बी में। सो अभी इनका भी डाइवर्ट हो रहा है बीच में, सो दैट इज डाइवर्जन, ठीक है, डाइवर्जेंस इज दैट। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में से कौन सा डाइवर्जिंग है, कौन सा कन्वर्जिंग है, हु कैन टेल मी विच कॉन? अच्छा चलो, सिंपली और सिंपल कर देती हूँ। कॉनकेव मिरर इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? यस, हु कैन टेल मी?
ओके, सेवन सी से सभी ने हाथ खड़ा किया है, सेवन ए से भी पीछे के सभी बेंचेस खड़े हैं। व्हाट अबाउट सेवन बी, पढ़ के नहीं है बेटा? सेवन बी से ही पूछूंगी। चलो लास्ट रो, फोर्थ बेंच गर्ल। यस बेटा, टेल मी। मैम इट इज डाइवर्जिंग। कॉनकेव मिरर इज डाइवर्जिंग। ओके, अभी मैं बताऊंगी नहीं कि सही है नहीं है, ठीक है? गो सिट बेटा, सिट। चलो कॉनकेव मिरर्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं हमारे दांत को देखने के लिए, एक मिरर डालते हैं ना ऐसे आ करके, कहते हैं चलो ओपन योर माउथ एंड देन दे सी। सो विच मिरर डू दे यूज? यस सेवंथ ए फर्स्ट बेंच बेटा बताओ। कॉनकेव यस विच मिरर? कॉनकेव। कॉनकेव ओके सो लेट्स एज्यूम, आपका आंसर को सोच लेते हैं ये सही है। लेट्स एज्यूम, अभी मैं मान रही हूँ अभी बता नहीं रही। इफ वी से कॉनकेव मिरर, देन कैन यू टेल मी व्हाई कॉनकेव मिरर? हु कैन टेल मी व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट देन? यस मैंने शायद से लास्ट टाइम लिखवाया है आपसे, है ना? लिखवाया है ना आपसे? यस बेटा आपने लिखा होगा ये सारा। बोलिए, एक मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल बोला था, अगर हम कोई एक मिरर लेते हैं और सन की लाइट जो है वो उस पर डालते हैं, एंड देन कोई पेपर लेते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर स्पॉट में वो जो है उसको डालते हैं, लाइट को ऐसे है ना फोकस करते हैं, कुछ टाइम बाद वो जलना शुरू हो जाता है, तो हम कौन से मिरर से ये काम करते हैं? कौन लाइट को कॉन्सेंट्रेट करता है? यस सेवन सी। यस बेटा बोलो, मिडल रो गर्ल फर्स्ट बेंच सेवन सी। यस कंकेव मिरर। यस कॉनकेव मिरर। यस राइट, सो कॉनकेव मिरर इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग। यस, सो कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, इट कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करता है, इट्स ए कन्वर्जिंग मिरर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, राइट डाउन बेटा इस सब लिखो, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, एंड वेयर डू वी यूज इट? कहाँ यूज किया करा जाता है? दो मेन जगह यूज किया जाता है इसे, डेंटिस्ट के पास। अब आप सोचोगे कन्वर्ज कर रहा है तो डेंटिस्ट क्यों यूज कर रहा है इसको? अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे पीछे कर दो तब भी जो 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 इमेज है वो क्या रहेगी? छोटी रहेगी, उसका साइज चेंज नहीं हो रहा। बट इन केस ऑफ कॉन्केव, इफ वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर, व्हाट हैपन? क्या हुआ था अगर कैंडल को हम जो है मिरर के पास ले आए थे, तब क्या हुआ था? इन केस ऑफ कॉन्केव जो स्क्रीन थी उस पे इमेज कैसी बनी थी फिर? इट वॉज स्मॉल और बिग? कॉनकेव मिरर पे जो इमेज, कॉनकेव मिरर में जो कैंडल की इमेज थी, जो कैंडल की इमेज थी जब हम मिरर के पास लेके गए थे तो कैसी बनी थी? बिग बनी थी, है ना, बड़ी हो गई थी। अब जब डेंटिस्ट हमारे मुंह में वो शीशा डालता है, मिरर डालता है, तो वो पास लेके जाता है, दूर से देखता है, पास से करता है ना, दांत के पास ऐसे ऐसे लेके जाएगा एकदम पास, तो क्यों करता है? बिकॉज कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी है? अगर ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज कैसी बनेगी? बड़ी। तो हमने जब बड़ी इमेज देखनी है किसी चीज की तो वी यूज कॉनकेव मिरर। सो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर, और जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर की वो कहाँ यूज होती है? दैट इज यूज्ड इन सोनर कुकर।
सोलर कुकर में जो मिरर यूज होता है, द मिरर दैट इज यूज्ड इज कॉनकेव, तो वो क्या करता है, जो सनलाइट है उसको कन्वर्ज करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, जहां खाना हमारा रखा हुआ है तो वो खाना कुक होता है इजली, ठीक है, जो फूड है फिर वो इजली कुक हो जाता है, बिकॉज लाइट इज कन्वर्जिंग हियर, लाइट इज कन्वर्जिंग, इकट्ठी हो रही है, कन्वर्जिंग हो रही है, बिकॉज मिरर दैट इज यू बी यूजिंग इन सोलर कुकर इज कॉनकेव मिरर, गॉट इट, यस और नो? यस हमें कोई अगर बड़ा करना है किसी का इमेज, देन वी यूज कॉनकेव मिरर, अगर हमने किसी चीज पे फोकस करना है देन वी यूज कॉनकेव मिरर, ठीक है, गॉट इट, यस, सो दे वी हियर वी यूज कॉनकेव मिरर, देन कमिंग टू कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स से भी कुछ प्रॉपर्टीज कर ले, या फिर एक क्वेश्चन लिखो पहले फटाफट, विच स्फेरिकल मिरर, विच स्फेरिकल मिरर, विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म इमेजेस, विच स्फेरिकल मिरर, विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स इमेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, तो क्या होगा इसका आंसर, इन विच मिरर वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, छोटी बड़ी इक्वल साइज, किसमें दिखती है हमें, यस, तो आंसर इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ओके, सो आंसर इज कॉनकेव मिरर, दैट्स गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये हो गया, हैव यू डन दिस, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म स्मॉलर देन, विच फॉर्म स्मॉलर देन विच फॉर्म स्मॉलर देन देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज, नाउ हियर कंडीशन इज ऑलवेज, सो व्हाट इज द आंसर, कौन हमेशा छोटी इमेज बनाता है लेकिन इरेक्ट बनाता है और इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट और वर्चुअल, विच मिरर, यस विच मिरर, बेटा सबके माइक खुले हैं, सब बोलो, एवरीवन स्पीकर, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, यस इट्स कॉन्वेक्स, इट्स कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा, और देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, अगर हम देखें ध्यान से, जो कॉन्वेक्स मिरर जो बनाता है वो इमेज तो है ही, डिमिनिश इरेक्ट वर्चुअल, ठीक है, तो जहां पर ये आ जाए, सो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, नेक्स्ट, नाउ असाइनमेंट इज विद यू ना, नाउ लेट्स मेक रे डायग्राम, ठीक है, अब रे डायग्राम क्या होता है,
अगर मेरे को ये पता था ये मेरा मिरर है, ठीक है, दिस इज माय मिरर कॉनकेव, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है कैंडल. नाउ आई वॉन्ट टू नो कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, कि इसकी मैं छोटी आए, बड़ी आए, वर्चुअल आए, रियल आए, तो वो कैसे पता चलेगा? व्हेन आई ड्रॉ इट, जब इसका ड्राइंग बनाऊंगी, कि इसको अगर मैंने यहां रखा तब इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी. अगर मैंने इसको एकदम पास रखा देन इसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी. टू नो वेयर इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दैट वी कम टू नो थ्रू रे डायग्राम. सो हेडिंग इज रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे कॉनकेव, मगर पहले डेफिनेशन लिखो कि रे डायग्राम होता क्या है. ठीक है, फर्स्टली राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रे डायग्राम. ठीक है, इट इज अ डायग्राम ड्रॉन अंडर DRAWN, ड्रॉन अंडर सर्टन कन्वर्जन सर्टन कन्वर्जन्स एंड रूल्स ये लिखी हुई है सर्टन कन्वर्जन की स्पेलिंग, सर्टन कन्वर्जन्स एंड रूल्स कॉमा विद द हेल्प ऑफ विच विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन जज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन जज द पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन जज द पोजिशन वी कैन जज द पोजिशन एंड द साइज ऑफ इमेज द पोजिशन एंड द साइज ऑफ इमेज पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज इफ इफ वी नो द इफ वी नो द इफ वी नो द पोजिशन एंड साइज इफ वी नो द इफ वी नो द पोजिशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ वी नो द पोजिशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इफ वी नो द पोजिशन एंड साइज इफ वी नो द पोजिशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर अगेन आई एम डिक्टेटिंग इट. इट इज अ डायग्राम ड्रॉन विद सॉरी ड्रॉन अंडर इट इज अ डायग्राम ड्रॉन अंडर सर्टन कन्वर्जन एंड रूल्स कॉमा विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन जज द पोजिशन वी कैन जज द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज इफ इफ वी नो द पोजिशन इफ वी नो द पोजिशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ स्फेरिकल मिरर. सो लेट स्टार्ट. तो जो भी आपका डायग्राम होगा बेटा रे डायग्राम उसको हमने बहुत इजी वे में करना है. ओके वी आर गोइंग टू डू और वी आर गोइंग टू मेक इट इन वेरी इजी वे. हमने लास्ट टाइम मिरर बनाया था और उसके कुछ
जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है द फर्स्ट मिरर, कॉनकेव मिरर। हेडिंग डालो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और उसी के साथ लिखो रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। सो देर आर फोर रूल्स टू ड्रॉ कॉनकेव मिरर डायग्राम। कॉनकेव मिरर के जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करने के फोर रूल्स हैं। अब वो फोर रूल्स किस पे बेस्ड है कि जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, जो हमारा कॉनकेव मिरर है उस पे कहाँ जाके टकरा रही है, सारा वहीं का लेना देना है कि अगर कोई चीज कॉनकेव मिरर पे पड़ रही है तो कहाँ पड़ रही है। दैट इज व्हाट वी यू नो ड्राइंग और वी आर गोइंग टू लर्न। सो फर्स्ट रूल लिखो, रूल वन, रूल वन, फर्स्ट रूल। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले, वी आर गोइंग टू मेक स्फेरिकल मिरर। कौन सा? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में कहां पर होता है पॉलिश, इनर साइड या आउटर साइड? आउटर साइड आउटर साइड, आउटर साइड बेटा। मैं तभी तो ये बना रही थी कि अगर मैं इसमें अपने आप को देख रही हूं तो इसका मतलब यहाँ पीछे है पॉलिश, ठीक है। सो इट्स अ कॉनकेव मिरर, इट्स अ कॉनकेव मिरर इज लाइक दिस, इट्स अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर अपने अगर हाथ को ऐसे रखा है एंड यू कैन सी योर सेल्फ, सो इट मीन्स इट्स कॉनकेव, मतलब पीछे की साइड पॉलिश हुआ है तभी आप अंदर की साइड से अपने आप को देख पा रहे हो। इससे भी आप याद कर सकते हो, अगर अपने हाथ को ऐसे रखते हो और सोचते हो ये मिरर है और यू कैन सी योर सेल्फ, इट्स अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हम इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट बेटा, लास्ट अपर्चर क्या कहते हैं, अपर्चर प्रिंसिपल एक्सेस। यस इट इज प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस जिसको हम पी ए से लिख सकते हैं, है ना। नाउ दिस पॉइंट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड व्हाट, दिस पॉइंट, व्हाट डू वी कॉल दिस पॉइंट, आई एम इनलार्जिंग इट। यस नाउ इट इज प्रिटी मोर क्लियर टू यू, यस बोलो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये जो मैंने बनाया। पोल यस इट इज अ पोल। अब यहां पर ठीक सेंटर में क्या आता है, सेंटर में अगर हम इसको पूरा अगर हम इमेजिन करें, पूरा एक सर्कल है ना, स्फेरिकल मिरर है, तो ये सेंटर वाले को क्या कहते हैं, इसको लेट्स लेट मी मेक मोर क्लियर, सी से लिख रही हूँ, इसको क्या कहते हैं, सी, सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट डाउन। और ठीक इसके बीच में यहाँ क्या है, फोकस, फोकस प्रिंसिपल फोकस, फोकस नहीं प्रिंसिपल फोकस, क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, फटाफट जो आपकी नोटबुक है उसमें चार ऐसे इमेजेस बनाओ, और ये रूल वन के लिए ये है, रूल टू, रूल थ्री, रूल फोर, चारों के लिए ऐसे बनाओ, सब में यही बनेगा। जब भी आपने रे डायग्राम बनाना है कॉनकेव का, फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ दिस थिंग, यहां तक सभी चीजें आपकी ऐसी होनी चाहिए। फटाफट इसको ड्रॉ करो बेटा, फोर ऐसे ही इमेजेस बनाओ एंड अपने दिमाग में डालो, व्हेन एवर यू हैव टू ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव, फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ दिस, दिस इज द फ्रेमवर्क, ढांचा है ये, ठीक है। सो फर्स्टली यू हैव टू मेक दिस डायग्राम, ये याद कर लेना हमने बस, कि जहां कॉनकेव बोला फटाफट बस ऐसे किया हमने,
और वी स्टार्टेड ड्रॉइंग दिस। सी एफ पी बनाना है हमने सिर्फ, ठीक है, सी एफ पी। नाउ इट्स क्लियर, हो गया, बन गया। ओके आई एम गिविंग 2 मोर मिनट्स, कंप्लीट दिस। डन, हो गया सभी का। चलो आ जाते हैं रूल नंबर 1 में। तो रूल नंबर 1 बेटा क्या कहता है, इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है यहां से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट, चलो लेट्स प्लेस एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डालते हैं पहले, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, चलो इतना दूर तो नहीं, पास कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट जो मैंने यहां पर रखा है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब जब ये ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है क्या होता है, अगर मेरे पे अभी लाइट पड़ रही है तो वो यहां से रिफ्लेक्ट होके सामने जा रही है, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी मी एंड आई एम एबल टू सी यू बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली। अगर आप मुझे देख पा रहे हो या मैं आपको देख पा रही हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम पे लाइट पड़ रही है और फिर वो लाइट बाउंस बैक हो रही है और हमारी आंखों में आ रही है। ओके, सिमिलरली ऑब्जेक्ट पे सपोज खोलो यहाँ पर कोई लाइट थी, वो पड़ी, अब वो रिफ्लेक्ट होके, जो कि मिरर के लिए तो इंसिडेंट लाइट होगी, ठीक है, इससे लाइट अगर सीधा, एकदम सीधा, पैरलल, पैरलल मतलब बिना कटे, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके एकदम सीध में जाती है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये देखो सीधी जा रही है एकदम, मूविंग स्ट्रेट। अगर यहां पर इसके बीच और इसके बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, तो यहां पर भी 2.5 का ही रहेगा, कम नहीं होगा, एकदम बराबर से वो जा रही है, ऐसे के ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर लाइट ऑब्जेक्ट से पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके एकदम सीध में जा रही है, तो जब वो शीशे पे टकराएगी, व्हेन इट इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, इट विल कम बैक, कैसे आएगी, मगर जो फोकस है उससे होती हुई आएगी, सी इट विल कम फ्रॉम हियर, जो रिफ्लेक्शन है वो कहां से होगी, वो फोकस के थ्रू होगी, कब होगी, जब लाइट, इंसिडेंट लाइट जो है, दिस इज आर इंसिडेंट रे, जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब वो यहां पर टकराएगी तो वो कैसे बाउंस होगी, थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आएगी। सो रूल नंबर 1 इज दिस, इज इट क्लियर, यस और नो? मैम सो राइट डाउन, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल, बेटा 7th B मिडल रो सेकंड बेंच बॉय, व्हाई आर नॉट राइटिंग, एम आई नरेटिंग एनी स्टोरी, है बेटा, लिखोगे नहीं बेटा, भूल जाओगे, रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर नॉट राइटिंग दीज लाइन्स एंड यू आर नॉट ड्राइंग दीज डायग्राम, भूल जाओगे, अभी 5 सेशन खत्म होने के 5 मिनट बाद भूल जाओगे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर गोइंग टू कम इन योर यू नो एग्जाम ऑल्सो। सो यस, इफ इंसिडेंट रे और लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस,
देन इट रिटर्न्स टू प्रिंसिपल फोकस, देन इट रिटर्न्स टू प्रिंसिपल फोकस। तो ये तो हमें दिख ही गया यहां पर, है ना। अगर वो पैरेलल है देन इट विल कम बैक टू और बैक थ्रू दिस फोकस ओनली। इज इट क्लियर? यस सबने ड्रॉ कर लिया, सबने लिख लिया। यस ओके, सो नाउ कमिंग टू रूल नंबर टू। ठीक है, वी आर मूविंग टू रूल नंबर टू। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट रूल नंबर टू इज सेइंग। अब जो भी हमने पढ़ा जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जहां से हमारी इंसिडेंट रे थी वहां पर वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और जहां रिफ्लेक्टेड थी वहां पर इंसिडेंट हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन, जो मैंने अभी कहा, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट है दैट इज कमिंग और दैट इज फॉलिंग थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से अब स्फेरिकल मिरर में जो गिरेगी वो कैसे गिरेगी? इट शुड बी स्ट्रेट बेटा, ऐसे होते हुए यहां पर। कैन यू सी? अभी फोकस से होते हुए मिरर पे गिर रही है। ठीक है, अभी हमने पहले क्या किया था, रिफ्लेक्टेड रे को हमने कहा था कि वो जो है फोकस से जा रही है, लेकिन कब? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी इंसिडेंट लाइट। अब यहां पर हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो सीधा फोकस पे गिर रही है, तो क्या लगता है आपको कि जब वो बाउंस होगी तो कहां को जाएगी? अब वाइस वर्सा ये बेटा, इट्स अ वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर ये फोकस से जा रही है तो जो निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। जो निकलेगी अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगी। यहां देखो, इट्स बिकम पैरेलल टू द, इट्स बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यू कैन सी दैट, वही चीज हुई है जो हमने पहले की है, लेकिन अब यहां पर हमारी जो है पैरेलल वाली रिफ्लेक्टेड बन गई है, और जो इंसिडेंट है जो फोकस से जा रही है वो हमारी इंसिडेंट बन गई है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, इट इज नाउ आई आर एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इट इज आर आर। तो आपने अपने दिमाग में एक चीज नोट करनी है, अगर ऑब्जेक्ट से जो लाइट है फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगी। ठीक है, इनका आपस में रिलेशन समझ लो कि अगर फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? तो एमईएस हमने पहले पढ़ा रूल नंबर वन, उसी का जस्ट वी कैन से दूसरा पार्ट आ जाता है रूल नंबर टू, जिसमें जो है नाउ इंसिडेंट लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो राइट डाउन, इफ इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू, इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस, इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस ऑन स्फेरिकल मिरर, ऑन स्फेरिकल मिरर, ऑन स्फेरिकल मिरर कॉमा आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिटर्न बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, कमिंग टू थर्ड वन नाउ। अब आ जाते हैं थर्ड पे। जो ठीक है, नाउ थर्ड केस इज वेरी इजी। व्हाई इट्स इजी? अब जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट कहां से जाएगी?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पे जा रही है, ठीक है, इट इज फॉलिंग ऑन द मिरर। अब जो भी लाइट सेंटर से होती जाएगी तो वापस सेंटर पे ही आएगी, मतलब जो गिर रही है यहां से वापस भी यहीं पर आएगी। सो इट इज कमिंग, और वी कैन से फॉलोइंग सेम पाथ, इट विल फॉलो द सेम पाथ। तो जो लाइट जिस डायरेक्शन से गई थी उसी डायरेक्शन को आ रही है। सो दिस इज द रूल नंबर 3, इट इज द रूल नंबर 3। सो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आएगी। इसमें लिखो, इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ब्रैकेट में बेटा इसका सिंबल लिख देना सी। इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न्स बैक थ्रू सी। सी हमने पहले मेंशन कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न्स बैक थ्रू सी, तो जहां से गई वहीं से आएगी। कौन से केस में? जब लाइट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दैट इज द कंडीशन। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन। ओके, अब आते हैं लास्ट रूल क्या कहता है। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज सेइंग कि अब हम सीधा लाइट जो है पोल पे डालते हैं। वेयर इज पोल? पोल इज हियर। सो लेट्स सी हियर, नाउ लाइट इज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द पोल, ठीक है, सीधा पोल पे गिरी है लाइट। इफ लाइट इज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द पोल, तो वहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, जैसे आई है वैसे ही एंगल से वापस जाएगी। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इट विल फॉलो दैट ऑन। इफ लाइट इज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द पोल, अगर वो पोल पे अब डायरेक्टली गिर रही है, ना सी पे ना एफ पे, ठीक है, व्हेन इट इज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द पोल देन इट विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यू कैन से और यू कैन राइट, इफ इंसिडेंट रे कॉमा, इफ इंसिडेंट रे कॉमा इंसिडेंट एट पोल, इंसिडेंट एट पोल, इफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट एट पोल कॉमा मेक्स मेक्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मेक्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंड रिटर्न्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड रिटर्न्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो इज इट क्लियर एवरीवन? यस। तो ये फोर रूल्स हैं, इन फोर रूल्स को यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू ड्रॉ अगेन एंड अगेन। एंड टू रिमेम्बर दिस, फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ दीज इन टेबुलर फॉर्म, ऐसे फटाफट टेबुलर फॉर्म में हमने ऐसे कर लेना है। मेक अ टेबल, छोटा सा टेबल बनाओ लाइक दिस, जिसमें ए बी सी डी कर दो, या रूल नंबर 1 2 3 4 कर लो। सिंपल, सब में जो है हमने इक्वली ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, सी बना लिया, सी बना लिया, एफ बना लिया, ओके, सी बना लिया, एफ बना लिया, सी बना लिया, एफ बना लिया। लेट्स लेबल इट रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। फटाफट टेबल बनाओ।
देन वी आर गोइंग टू एंड द क्लास, ठीक है? फिर हम क्लास एंड करने वाले. दिस इज द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट रूल इज सेइंग इफ लाइट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे सो इट विल कम, सॉरी, इफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल कम बैक थ्रू फोकस. इसी का ऑपोजिट हमने पढ़ा, अगर ऑब्जेक्ट से लाइट इज फॉलिंग थ्रू दिस प्रिंसिपल, सॉरी, प्रिंसिपल फोकस, देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट हमने पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा इफ ऑब्जेक्ट से लाइट जो है, ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट, वी रेड दैट. ऑब्जेक्ट से इफ लाइट इज फॉलिंग और ट्रेवलिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल ट्रेवल थ्रू सेम, और इट विल फॉलो द सेम पाथ. नाउ इन द लास्ट केस व्हाट वी डिड, अब जो है लास्ट केस में लाइट इज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द पोल, ओके, देन इट विल कम और फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. इन दिस केस एंगल आई बिकम इक्वल टू एंगल आर. सो दीज आर द फोर केसेस दैट वी स्टडीड टूडे. और बेटा आपने भी ऐसे फटाफट बनाना है, आपने ऐसे पहले चार येलो जो मैंने जिनको येलो कर रखा है आपने पहले वो स्ट्रक्चर बनाना है, देन यू कम टू द कि इंसिडेंट लाइट कहाँ पड़ रही है और कहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी. यू हैव टू ड्रॉ दिस इन दिस वे ऑल्सो. जितनी बार ये वाला प्रैक्टिस करोगे इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के पास उल्टे ही है. अगर ये यहां पर आ रहा है पैरेलल है तो निकलेगा फोकस से, अगर फोकस से आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, सेंटर से निकलेगा सेंटर को ही जाएगा, और इसमें ये लास्ट ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा. सो इज इट क्लियर? Yes. तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. So we will do your assignment, okay, in the next class. Or do we have 5 minutes? Yes, teachers, do we have 5 minutes? Yes, okay, so let's do this. First question, an erect and enlarged image can be formed by Concave, concave. Yes, it's B. Kanika's father met with an accident, although it was minor accident, but the headlight and rear view mirror of the scooter was completely broken. Kanika's father went to the mechanic. Kanika also went with his father. The mechanic was replacing the rear view mirror with a plain mirror, but Kanika immediately stopped the mechanic for doing so. He explains the inconvenience that the driver of the scooter will face while using it. So now, first is, now explain which inconvenience Kanika was talking about. अगर हम जो है हमारी गाड़ी में जो शीशा है उसका जो हमारा जो मिरर है उसको जो है हम कर दें चेंज प्लेन मिरर से, जो हमारे पास अभी यहाँ पर प्लेन मिरर है, ठीक है, इस वाले से अगर हम ये वाला लगा दें गाड़ी में तो आपको लगता है सेम वे में वर्क करेगा? यस? नहीं, नो नहीं करेगा ना. पहले तो बताओ गाड़ी में कौन सा मिरर यूज होता है, विच मिरर इज यूज इन रियर व्यू? यस, 7C फर्स्ट बेंच बॉय. कन्वेक्स कॉन्वेक्स. सो व्हेन कॉन्वेक्स मिरर इज यूज दैट मींस इट इज गोइंग टू शो अस स्मॉल इमेजेस, है ना, छोटी छोटी इमेजेस दिखाएगा. जब छोटी इमेज दिखाएगा तो इसका मतलब ज्यादा इमेजेस दिखाएगा, ज्यादा इमेजेस दिखाएगा मतलब दूर तक की इमेजेस दिखाएगा. तभी हम जब कार या हम स्कूटर ड्राइव करते हैं तो जो शीशा है उसमें हमें दूर जो पीछे इतने लोग हैं वी कैन सी देम, ओके, जबकि वो इतने बड़े हैं लेकिन स्टिल वी कैन सी इन दैट स्मॉल मिरर.
because convex mirror is diverging mirror. ओके सो हियर यू कैन सी फर्स्ट इसका आंसर लिख सकते हो. सो यू कैन सी इनकन्वीनियंस क्या आएगा, द साइज ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दस लेसर व्यू, lesser view of the objects will be seen so that lesser view of the objects will be seen in the mirror. तो अब क्या होगा, अब एक आधा ही दिखेगा, बाकी का दिखेगा नहीं, लेफ्ट राइट में क्या, सिर्फ पीछे वाले थोड़े से दिखेंगे. सो इट मे कॉज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो सकता है. सो सेकेंड इज विच मिरर कैन बी यूज एट एज द रियर व्यू मिरर एंड वाई. तो आपको पता ही है कॉन्वेक्स मिरर्स बिकॉज इट इज ए डाइवर्जिंग मिरर. इट फॉर्म्स, हमने सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने में लिखा, इट फॉर्म्स स्मॉल और वी कैन से डिमिनिश इमेजेस, इट फॉर्म्स डिमिनिश इमेजेस. थर्ड इज द अबव मिरर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर. तो ये तो मैं बार बार बोल चुकी हूँ. यस कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग. So, लिखो इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर. नेक्स्ट इज फोर्थ, ड्रॉ द फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द अबव मिरर. सो दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. ठीक है. सो कि कॉन्वेक्स मिरर का कैसे बनाएंगे, उसका ऑपोजिट होता है बेटा. ओके इसका, क्योंकि हमारा जो इसमें सेंटर ऑफ वो जो हम पॉलिश वाला एरिया करें वो अंदर की साइड होता है. सो इसका लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द कॉनकेव. ठीक है, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. तो अभी ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, फोर्थ एंड फिफ्थ लीव इट. कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केस, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज. सो व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज. वर्चुअल और इरेक्ट किस केस में होती है हमेशा, बोलो. कॉन्वेक्स प्लेन में कभी होता है कि कुछ और हो सके, इन प्लेन, प्लेन में भी वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगी. सो यू कैन राइट बोथ. मेकअप मिरर, मेकअप मिरर में कौन सा यूज करेंगे, हमें अपने आप को बड़ा देखना है कि हमारा जो मेकअप सही हुआ है या नहीं हुआ है. सो विच मिरर वी शुड यूज, कॉनकेव. रियर व्यू मिरर इन कार्स, कॉन्वेक्स. मिरर दैट शोज लेटरल इन्वर्जन, मिरर. शेविंग मिरर में कौन सा यूज करेंगे, बड़ा करना है, हमने शेव अच्छी से हो रही है नहीं हो रही है, कोई बाल तो नहीं रह गया. कॉनकेव. सर्विलियंस मिरर इन शॉप्स, कि शॉप में जो है मिरर लगा रखा है जिससे हमें पूरा शॉप नजर आए कि कहाँ पर कौन है, जो वर्कर है, जो सेल पर्सन है, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, बैठा तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं चोरी कर रहा. तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स. डेंटिस्ट मिरर, मिरर इन सोलर कुकर्स, दैट्स गुड, दैट्स गुड. विच टाइप ऑफ मिरर कन्वर्जेस लाइट रेज टू अ सिंगल पॉइंट क्रिएटिंग ए फोकस्ड बीम ऑफ लाइट इन अ टॉर्च. Concave. That's good. The image of candle placed in front of convex mirror will be dash in size than of the candle. Smaller. Yes, smaller. That's good. Now fill the following table. तो इसमें हम आ जाते हैं concave mirror at C. C मतलब center of curvature पे अगर हमने रखा है तो क्या होगा, center of curvature मतलब एकदम बीच में हमने रखा है. ठीक है. So, यहाँ पर ये हो गया, हमने एकदम बीच में, जब भी हमने कैंडल वाला किया था बेटा, जब हमने बीच में रखी है कैंडल तो हमारे पास जो जो इमेज आती है वो इक्वल साइज की आती है. राइट डाउन सेम साइज, सेम साइज, और नेचर में लिख दो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. और अगर हम इससे दूर लेके जाते हैं तब क्या होता था, मिरर से दूर लेके जा रहे थे, चाहे हम इस साइड लेके जाएं या उस साइड लेके, चलो पहले इस साइड ले आते हैं, चलो इस साइड लेके जाएं, तब क्या हो रहा था, बोलो.
जब हम इसे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेके जा रहे हैं, तब क्या हो रहा था? जब यहाँ पर मिरर था उसके पास लेके गए थे, तो हमारी जो स्क्रीन थी उसमें कैसी इमेज आ रही थी? जो हमारी स्क्रीन थी उस पे कैसी इमेज हो गई थी? बड़ी हुई थी, छोटी हुई थी? बड़ी हुई थी ना कॉनकेव में, तो लिखो इनलार्ज्ड। इमेज का साइज क्या हो जाएगा? इनलार्ज्ड, बड़ी हो जाएगी। रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का तो चाहे कहीं भी रख दो, एट एनी पॉइंट। इमेज क्या, साइज क्या रहेगा? छोटा, डिमिनिश्ड। साइज विल रिमेन डिमिनिश्ड, और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट ओनली, ठीक है। अब हमारे रीजन एंड असर्शन रहेगी बेटा, दैट यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो नाउ वी आर रैपिंग अप द सेशन। तो के स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। बाय।